हेलो फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो हमें डिस्कस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम्स। इससे पहले भी मैं रीमन इंटीग्रल के काफ़ी थ्योरम डाल चुका हूँ। यदि वो देखना चाहते तो ब्लॉक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये थ्योरम देखा गया तो आने के इस बार बहुत चांसेस हैं, क्योंकि ये 2016 में लॉन्ग आंसर में आई हुई है, इससे पहले भी आई हुई है, तो ये इम्पोर्टेंट मान के चलिए। ठीक, इसमें लिखा है F1 F2 जी रीमन इंटीग्रल हैं। अब यहाँ पर डाउट, कई कमेंट आ रहे थे कि F1 + F + G की या F1 - F2, ये इनमें वेरिएबल कुछ भी चेंज कर सकता है वो। ये तो इधर पे F + G भी कह सकता है, तो यहाँ पर F - G कह देगा, इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना, थ्योरम्स वही रहती है, खाली ये नाम बदल देता है ये खाली। ठीक, तो अब हम इसका प्रूफ देखेंगे। प्रूफ कैसे करना है, सिंपली कुछ नहीं, यहाँ पे कह रहा है F1 और F2 क्या है, ये रीमन इंटीग्रल है। क्या है ये? रीमन इंटीग्रल। तो जो है पहले इसकी कंडीशंस हम लिखेंगे, जैसे हमने वैसी थ्योरम्स की हैं। ठीक है, ट्रैक के माध्यम से वैसे ही। तो हम क्या है, सिंस लिखेंगे, सिंस चूंकि F1, F2 क्या है ये रीमन इंटीग्रल है, तो रीमन इंटीग्रल को आर रीमन इंटीग्रल a, b इस टाइप से लिखते हैं। फॉर, अब इसमें देखो रीमन इंटीग्रल है, तो रीमन इंटीग्रल के लिए क्या चाहिए हमें, एप्सिलॉन के लिए प्रॉपर्टी होती है, तो वो हम लिखेंगे यहाँ पर। क्या होती है, फॉर ए गिवन F(g) इसके लिए ले ले लिए, तो इनके लिए कंडीशंस क्या बनेगी। तो अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, रीमन इंटीग्रल में पार्टीशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, पार्टीशन भी मान लेंगे साथ में। एंड हमने मान लिया P1 एंड P2 आर, क्या है हमारे पार्टीशन है, क्या है ये पार्टीशन से हमारे, क्या है ये पार्टीशन से जो ऑन a, b में। ठीक, ऐसे पार्टीशन ले लिए जो a, b में है, क्योंकि a, b में क्यों है, क्योंकि हम एफ और बी है जो इसी से रिलेटेड है, तो वही हम P1 P2 इस टाइप से। ठीक है, पार्टीशन ले ली। तो अब जो, अब ये क्या है हमारे रीमन इंटीग्रल, क्या है ये रीमन इंटीग्रल। जब रीमन इंटीग्रल की डेफिनेशंस क्या बनेगी, फर्स्ट के लिए हम देखें UP, F1 - का लोअर रीमन सम P, F1। अब यहाँ पर अलग अलग माना है दोनों के लिए, तो इसके लिए P1 कह देंगे। इसकी डेफिनेशन होती, पहले डेफिनेशन लिख रहा था मैं, अब देखो ये। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस करके लिखना है। ठीक है, तो हम इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर F(y)2 का है, जैसे प्लस में दो बार योग करेंगे इसका, क्या करेंगे योग, तो F(y) तभी बनेगा। यदि हम F(y) मान के यहाँ चलेंगे, उसको F(y) मानेंगे, 2F(y) होगा, जो कि प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा, इसलिए हमने यहाँ पर F(y)2 मान लिया। इसी प्रकार से दूसरे के लिए क्या बनेगी हमारी प्रॉपर्टी, P2, F2 - लोअर रीमन सम P2, F2 < F(y)2, इतना आ जाएगा। इस इक्वेशन को फर्स्ट कह देंगे, इसको सेकंड कह देंगे, बिल्कुल सिंपल रहेगी आपके लिए, देखना। अब देखो यहाँ पर इतना हो गया। अब सिंस चूंकि हम देख सकते हैं, जो P हम एक रिफाइनमेंट मान लेते हैं, जो कि वो P1 यूनियन P2 में होगा, तो वेयर यहाँ पर P क्या है, ये रिफाइनमेंट है, क्या है हमारा रिफाइनमेंट, रिफाइनमेंट क्या है जी, रिफाइनमेंट है। ठीक, ऑन a, b में, जब जी इसका रिफाइनमेंट है, तो जहाँ जहाँ पर ये P1 P2 है, वहाँ पर क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, तो क्या कर सकते हैं हम इसको P, F1 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है जी रिफाइनमेंट है, तो < F(y)2। और नेक्स्ट नेक्स्ट के लिए UP, F2 - का लोअर रीमन सम P, F2 < F(y)2, इसको इक्वेशन थर्ड कह दिया, इसको चौथा कह दिया, इतना आ जाएगा। अब करना क्या है, अब हमें ये करना, इतना आ गया, अब हमें सिद्ध क्या करना है, उसे देखिए, ये सिद्ध करना है, तो क्या करेंगे हम इसके लिए सुप्रीम इनफीम वैल्यू मान लेंगे। लेट माना, लेट हमने मान लिया कि F1, सॉरी इधर पे स्मॉल mr, कैपिटल mr, आर इनफीमम एंड क्या है ये सुप्रीमम है, क्या है जी सुप्रीमम, ऑफ किसके,
किसके हैं, हम किसके लिए बात करना है अब हमें, इसके लिए। तो क्या एफ वन माइनस का एफ टू इतना कर लेंगे, तो इसके लिए कंडीशंस क्या बनी है? हमें सिद्ध क्या करना है, एफ वन माइनस एफ टू मतलब क्या, यहाँ पर लिखेंगे यू पी एफ वन माइनस एफ टू माइनस लोअर रीमन सम पी कॉमा एफ वन माइनस एफ टू, ये एप्सिलॉन की आ जाए तो कह देंगे कि ये हमारा क्या है, ये भी रीमन इंटीग्रल होगा। तो क्या क्या करेंगे इसको, तो हम कंडीशंस क्या मानेंगे, यू पी कॉमा एफ वन माइनस का एफ टू माइनस का लोअर रीमन सम पी एफ वन माइनस का एफ टू। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको क्या दिखाना है, लेस एप्सिलॉन करके, तो लेस एप्सिलॉन करके हम दिखाएंगे। तो इसके लिए एक थ्योरम्स होती है, तो इसको हम खोलेंगे, थ्योरम्स देखेंगे, तो पी कॉमा एफ वन ठीक प्लस इसके लिए यू पी कॉमा माइनस एफ एफ टू आएगा ना यहाँ पर, इसके लिए जी हम इसको खोल सकते हैं जी। हमने किसके लिए खोल दी इसको, मतलब अलग अलग हम इसको खोल सकते हैं। ठीक, माइनस इसके लिए देखेंगे तो लोअर रीमन सम एंसोर पी कॉमा एफ वन ठीक, सॉरी यहाँ पर लोअर ही आएगा, ये लोअर हो गया, यहाँ पर लोअर पी कॉमा माइनस एफ टू ठीक जी आ गया, इतना आ गया जी। हमने क्या किया, ये थ्योरम्स होती है, इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, एफ वन के लिए एफ टू के लिए। ठीक, अब यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर माइनस एफ टू, लेकिन यहाँ पर तो कहीं एफ टू है ही नहीं है, क्या करेंगे इसको हम माइनस एफ टू को हम बाहर लाएंगे, तो बाहर लाते हैं जब क्या बनता है उसी आप देखेंगे। इसको हमने इक्वेशन पाँच के, तो हम लिखेंगे वाई थ्योरम्स, क्या करेंगे वाई थ्योरम्स हम पढ़ के आए हैं, पी कॉमा माइनस एफ टू एफ जो होती है वो, इसको यदि बाहर निकाल दे तो वो लोअर में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें लोअर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि कोई यदि सुप्रीम वैल्यू है यदि उसमें हम माइनस से गुणा करेंगे तो वो इन्फीम बन जाएगी, वो यदि वो इन्फीम है उसमें माइनस से गुणा कराएंगे तो वो क्या बन जाएगी, सुप्रीमम बन जाएगी। इसलिए यहाँ पर जब ये इन्फीम के लिए करते हैं माइनस गुणा तो वो क्या बन जाता है, इन्फीम बन जाएगी, इन्फीम बनेगी तो लोअर आ जाएगा। ठीक जी आ जाएगा, और इसके लिए और देख लेंगे पी कॉमा लोअर के लिए देख लेंगे माइनस का एफ इक्वल टू तो माइनस का यू पी कॉमा एफ, मतलब क्या आज ये बदल जाते हैं एक्सचेंज हुए जी, सभी अनुसार इसमें हम देख लेंगे, आप देख लेंगे फ्रॉम किससे, पाँच से, फ्रॉम पाँच से देखेंगे तो यू पी कॉमा एफ वन माइनस का एफ टू माइनस का लोअर पी कॉमा एफ वन माइनस का एफ टू ठीक बराबर, इतना आगे जाएगा, इतना आ जाने के पश्चात यहाँ पर क्या कर देंगे, खोल देंगे तो यू पी कॉमा एफ वन, ये क्या बन जाएगा लोअर में, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, माइनस का पी कॉमा एफ टू इतना आ जाएगा। अब इसके लिए देख लेंगे तो माइनस इंटीग्रेशन लोअर पी कॉमा एफ वन, ये तो ज्यों कहते हो, यहाँ पर ये क्या बन जाएगा यू पी कॉमा एफ टू, इतना आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, इतना आ जाने के पश्चात हम नेक्स्ट देखेंगे अगले, फिर क्या बनेगा यहाँ पर देखेंगे, इतना आ जाएगा तो हमारा क्या बनेगा यू पी कॉमा एफ वन माइनस का एफ टू माइनस का लोअर पी कॉमा एफ वन माइनस का एफ टू, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हम अब उनको हम अलग अलग कर लेंगे, एफ वन के लिए और एफ टू के लिए, तो यहाँ पर देखेंगे तो पी कॉमा सो एफ वन माइनस का लोअर पी कॉमा एफ वन ठीक, ये एक के लिए हो गया, इसी प्रकार से दूसरे के लिए लिख लेंगे हम, क्या आ जाएगा यू, क्या आ जाएगा यू पी कॉमा माइनस सॉरी एफ टू माइनस का लोअर पी कॉमा एफ टू ठीक जी आ जाएगा। अब हम देख लेंगे जो हमने इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ निकाली, थर्ड एंड फोर्थ के अनुसार देख लेंगे तो जी इसका मान क्या है एप्सिलॉन बाई टू, इसका क्या है एप्सिलॉन बाई टू, तो जी क्या आ गया लेस एप्सिलॉन, तो यही तो हमें कंडीशंस में प्रूफ करनी थी, ये प्रूफ हो जाएगी तो हम कह सकते हैं, अतः कह देंगे कि जो हमारा एफ वन माइनस का एफ टू होगा वो बिलोंग्स करेगा रीमन इंटीग्रल ए कॉमा बी में, यही हमें प्रूफ करना था। तो इस टाइप से हमने देखी ये थ्योरम्स बहुत ही जल्दी प्रूफ हो गई है, और ये थ्योरम्स इतनी ही है। ठीक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इन्हें डिस्टर्ब कर दो मैं।